हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अच्छी नींद लेकर उठते हैं लेकिन फिर भी आपको सुबह काफी कमजोरी महसूस होती है। आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं करता, आपको सारा दिन आलसपन रहता है, आपका शरीर थका हुआ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज की इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जिसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। एक ऐसी पावरफुल ड्रिंक जिसे पीकर आपके शरीर में फुल एनर्जी आ जाएगी और जो भी आप काम करना चाहेंगे उसे आप एनर्जी से और फुल आउटपुट से कर पाएंगे। आपकी हड्डियों की कमजोरी हो, आपको जल्दी बुढ़ापा आ रहा हो, आपके घुटनों में दर्द हो, आपकी एड़ी में दर्द हो, आपको शरीर में कैल्शियम की खून की कमी लग रही हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी देखते ही देखते दोस्तों गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को एक्टिव बनाना चाहते हैं, आपका शरीर दुबला पतला है उसे आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें। क्योंकि जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि देखने का हमारा मन नहीं करता या फिर हमें देखने का टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, आप एक चीज सोचिए, जब हमारे पास व्हाट्सएप फेसबुक देखने के लिए घंटों हैं तो हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं है। और दूसरी बात, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है तब हमारे पास इतने दिन कहां से निकल आते हैं। तब तो हम अपनी दुकान, फैक्ट्रीज, अपनी जॉब से छुट्टी तक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम अपने शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते। हमें अपने शरीर का ध्यान तब रखना है जब हम स्वस्थ हैं, ना कि तब जब हम बीमार हो गए। जब हम बीमार हो गए तब तो उसे ठीक रखने के लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं तब आपको जिंदगी में बीमार होना ही नहीं पड़ेगा। ये जो इतना पैसा, ये जो इतनी मेहनत आज हम कर रहे हैं, ये सिर्फ दो ही चीजों के लिए कर रहे हैं। एक, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और दूसरा हेल्थ के लिए, ताकि अगर परिवार में भगवान ना करे कोई बीमारी आए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूं कि बीमारी आपको आएगी ही नहीं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं। क्या आप ऐसी चीजें अपने घर में लाते हैं जो डिब्बा बंद हैं, जो पैकेट बंद हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपके घर में बीमारी होना लाजमी है। दोस्तों, कोई भी चीज जो कुदरत से नहीं आती, कोई ऐसी चीज जो फैक्ट्री से या फिर पैकेट बंद आती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए। ऐसी चीज जो सीधी खेतों से, जो सीधी प्रकृति से आती है, वही चीज आपके शरीर के लिए अच्छी है। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा फल और कच्ची सब्जियां खाए, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, हम लोग अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। कच्ची सब्जियां और फल खाना तो हमारी डाइट का हिस्सा है ही नहीं, ये तो हम कभी कभार खाते हैं। और जो चीजें हम खाते हैं वो है बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और न जाने कितनी ऐसी चीजें, और यही बीमारियों का कारण बनती है। इसीलिए तो दोस्तों आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। आइए मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बनानी बताता हूं जिसे आप अपने नॉर्मल रूटीन के साथ इजीली पी सकते हैं। एक ऐसी ड्रिंक जिसे पीने से आपके शरीर की जो कमजोरी है, जो थकान है, जो आपको लगता है ना कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी वापस आ जाएगी। ऐसे लोग जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, जिनकी एड़ी में दर्द रहता है, आपके शरीर में थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, ये सारी चीजें मेरी इस पावरफुल ड्रिंक से ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, जो ड्रिंक मैं आपको बता रहा हूँ वो आयुर्वेदिक है, कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी ऐसी एलोपैथी मेडिसिन उसमें नहीं डालनी। दोस्तों, उस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है पहले उन्हें लिख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए 4 खजूर, उसके बाद आपको चाहिए 7 से 8 भीगे हुए बादाम, तीसरी चीज आपको चाहिए गाय के दूध का 1 गिलास, चौथी चीज आपको चाहिए थोड़ी सी यानी कि 1 चुटकी भर हल्दी, पांचवी चीज आपको चाहिए छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और लास्ट आपको चाहिए धागे वाली मिश्री, जितना आप उस चीज को मीठा करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो मिश्री को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि खजूर में ऑलरेडी मीठा होता है। तो दोस्तों, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए 4 खजूर और भीगे हुए 7 से 8 बादाम, और इन दोनों चीजों को पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसके बाद आपको 1 गिलास दूध के अंदर ये पेस्ट डालकर और साथ में 1 चुटकी हल्दी और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर दूध को 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। इस तरह से दोस्तों आपकी ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक को आप दिन में भी पी सकते हैं, रात में भी। अगर रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को पियेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी पावरफुल ड्रिंक है जिसके अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। दोस्तों, इस ड्रिंक में ढेर सारा आयरन और कैल्शियम है। ढेर सारा आयरन होने की वजह से ये हमारे शरीर से एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करेगा, और ढेर सारा कैल्शियम होने की वजह से ये हमारे शरीर को एनर्जी देगा, साथ ही साथ ये हमारे दांतों के दर्द और दांतों के सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, आपको इस ड्रिंक को दिन में 1 बार और पूरे 3 महीने लगातार इसे पीना है। जो लोग दुबले पतले हैं दोस्तों, उनका भी वजन बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो लोग दुबले पतले हैं वो न जाने कितने तरह के सप्लीमेंट्स ट्राई करते हैं और प्रोटीन शेक तक पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, प्रोटीन शेक पीने से 1 बार तो आपके मसल्स बिल्ड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोटीन शेक शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आपके शरीर में सारे विटामिन और मिनरल्स बराबर होने चाहिए।
तो दोस्तों इसीलिए जो ड्रिंक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ड्रिंक में सारे विटामिन मिनरल्स हैं। इस ड्रिंक को बनाना आसान है, आयुर्वेदिक है और इसके ढेर सारे फायदे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से फायदे इस ड्रिंक से मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस रेमेडी को बनाकर हर रोज पी रहे हैं तो इससे जो सबसे पहला फायदा मैंने आपको बताया वो है शरीर से खून की कमी का दूर होना, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा आयरन है और ढेर सारा आयरन होने की वजह से आपके शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनेंगे और ये सेल्स आपके शरीर में नए खून का संचार करेंगे, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में खून अच्छे से सर्कुलेट हो पाएगा और खून के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच भी पाएगी, जिससे आपको एक अलग ही एनर्जी का एहसास होगा और आपका शरीर एक्टिव रहने लगेगा। अगला जो आपको फायदा होगा वो है झड़ते हुए बालों में। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके बाल मजबूत नहीं हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये ड्रिंक आपको बहुत फायदा करेगी। इस ड्रिंक को लगातार 3 महीने पीने से बड़ा हेयर फॉल ठीक हो जाता है और अगर आपके सिर पर गंजापन है तो वहां पर भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्रिंक के अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आपके शरीर में ज्यादा खून बनने की वजह से ये खून आपके बालों की जड़ों तक सर्कुलेट होगा, जिससे कि आपके बालों की जड़ों को विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और आपके बाल घने और लंबे भी होने लगेंगे। अगला इस ड्रिंक का फायदा है आपके दांतों की प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। आजकल दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में सेंसिटिविटी होना आम सी प्रॉब्लम बन गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दांतों की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए तो आप इस ड्रिंक को जरूर पीजिए, नहीं तो आपको अपने दांत निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपको एक दो इलाज ही बताते हैं, या तो वो आपको पेन किलर्स देंगे और अगर पेन किलर्स से फायदा नहीं हुआ तो वो कहेंगे कि दांत निकलवा दो। अगर हमें भगवान ने कोई बॉडी पार्ट दिया है तो वो शरीर से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। अगर दिल में प्रॉब्लम आ गई तो दिल चेंज कर देते हैं, अगर घुटनों में प्रॉब्लम आ गई तो घुटने चेंज कर देते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो किडनी चेंज कर देते हैं, यानी कि हर बॉडी पार्ट की रिप्लेसमेंट ही कर देते हैं। अगर बालों में प्रॉब्लम आ गई तो हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दोस्तों हमारा शरीर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, बस आपको अपने उस बॉडी पार्ट को ठीक करना है। बॉडी पार्ट को चेंज करने से वो बॉडी पार्ट वैसे काम नहीं कर पाता। चाहे आप अपने घुटने चेंज करवा लीजिए, दिल चेंज करवा लीजिए, जो चीज रियल है वो रियल है। इसलिए दोस्तों आप अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कीजिए। अगर आज के इन तरीकों से बीमारियों का इलाज करेंगे तो आप अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे और अपना बॉडी भी आप खराब कर लेंगे। अगर आप मार्केट में कोई दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बीमारी का नाम पहले बहुत मुश्किल बताता है, जिससे कि आप ये समझ ही ना सकें कि बीमारी आपको है क्या, और उसके बाद जो आपको दवाइयां देगा, दवाइयों के नाम इतने मुश्किल होते हैं कि नॉर्मल बंदा इसे समझ ही ना सके, और जो दवाइयों के अंदर के सॉल्ट्स हैं उनके नाम जानबूझकर बड़े बड़े रख दिए जाते हैं, ताकि लोग ये समझें कि आज की मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज की मेडिकल साइंस को तो वही समझ सकता है जिसने बड़ी बड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई की है। दोस्तों इसीलिए तो आयुर्वेद को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत आसान, बहुत सिंपल बनाया, ताकि इसे अनपढ़ भी समझ सके। आप खुद ही आयुर्वेद की कोई किताब लेकर उसे पढ़ के देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कौन सी बीमारी के लिए काम में आती है। वैसे भी आयुर्वेद में तो बीमारियां 3 ही बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 ही दोष हैं, अगर इनको बैलेंस कर लिया जाए तो इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो ये बीमारियों की लिस्ट जो है वो हजारों में पहुंच जाती है। यानी कि आज की मेडिकल साइंस में बालों का झड़ना भी एक बीमारी है, डायबिटीज एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है। लेकिन दोस्तों ये सारी बीमारियां बीमारियां नहीं है, बीमारियों के सिर्फ सिम्टम्स हैं। बीमारी तो एक ही है, कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी होने से ढेर सारे सिम्टम्स आते हैं। बीमारी तो एक ही है, खून की कमी। खून की कमी होने से बहुत से सिम्टम्स आते हैं। लेकिन आजकल इसे बिजनेस बनाकर ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनको बीमारियों का नाम बना दिया गया, ताकि हम लोग समझें कि न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर को हो गई हैं और एक ना एक बीमारी के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते रहें और अपना पैसा खर्च करते रहें। दोस्तों आपको लगता होगा कि शायद मैं आज की मेडिकल साइंस के खिलाफ हूं, तो दोस्तों मुझे आप ही एक चीज बताइए कि कोई एक व्यक्ति जो दिल की बीमारी के लिए हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे डॉक्टर कह रहा है कि आप कुछ भी खा सकते हो, बस आपको ये दवाई खानी है। डॉक्टर्स कभी उसकी डाइट की ओर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है, उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। दिल के मरीज को अगर सही खान पान दिया जाए तो उसे दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल से रिलेटेड बीमारियां होती ही गलत खान पान की वजह से हैं। जब आप बिस्तर पर लेटे हुए हो और आपको दिल से रिलेटेड बीमारी है, आपकी हार्टरीज में ब्लॉकेज है और डॉक्टर कह रहा है ब्रेड खा लो, हल्की होती है, इसे दाल दे दो, दोस्तों आप ही सोचिए, दाल हमारे शरीर में पचने में 20 से 22 घंटे लेती है। डॉक्टर ये क्यों नहीं कहता कि इसे फ्रूट दो। दोस्तों मैं बहुत हैरान हूँ ये चीज देख करके, आज की मेडिकल साइंस में एक छोटे से सिम्टम को कैसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, इसे न जाने कितनी बड़ी बीमारी बना दिया गया और इसके इलाज के लिए कहा गया है कि इसका इलाज ही नहीं है। दोस्तों क्या बात है, हमारी आज की मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की कर ली है और उसके पास डायबिटीज का इलाज नहीं है। अपना थोड़ा समय अपने सेहत के लिए निकालें, अपने परिवार की सेहत के लिए निकालें। जितना समय आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को देते हैं, उसमें से थोड़ा समय सेहत को भी दिया करें, तभी आपका ये फेसबुक, व्हाट्सएप आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका दिल खराब हो जाएगा और आपको जितना पैसा आपने कमाया वो डॉक्टर्स की फीस, दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स में लगाना पड़ जाएगा। इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
बाद में बीमारियों का इलाज करने से बेटर है पहले ही बीमारियों को रोक दिया जाए। आई होप फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।